रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई तो अमेरिका आपदा में अवसर तलाशने लगा। उसकी कोशिश थी कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, बाकी के देश रूस से संबंध तोड़ ले, यूरोपीय संघ पुतिन से दूरी बना ले। अमेरिका तो यही चाहता था कि रूस को पूरी दुनिया दरकिनार कर दे और वो दुनिया का बादशाह बन जाए। इसलिए अमेरिका ने साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपना ली, दुनिया को समझाने बुझाने में लगा रहा, जज्बाती बयान भी दिए। अमेरिका ने भारत से ये तक कह दिया कि जब इतिहास बन रहा है तब आप कहाँ खड़े हैं। तो बस यही सवाल अब अमेरिका से पूछे जा रहे हैं कि आप किधर खड़े हैं जब इतिहास बन रहा है। दरअसल रूस ने कहा है कि पिछले एक हफ्ते में अमेरिका ने उससे तेल आयात में 43% की वृद्धि कर दी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये अमेरिका का दो मुहा रवैया नहीं। बता दें कि रूस के अधिकारी ने कहा कि अमेरिका एक तरफ तो रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदकर अपने तेल भंडार को बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन पर रूसी हमले का हवाला देते हुए दूसरे देशों पर दबाव बना रहा है कि वो रूस से तेल ना खरीदे। रूसी सुरक्षा परिषद उप सचिव मिखाइल पोपोव ने रविवार को रूसी मीडिया को बताया कि अमेरिका ने रूस से कच्चे तेल की खरीदारी में पिछले एक सप्ताह में 43% की वृद्धि की है। आंकड़ों की बात करें तो अमेरिका रूस से प्रतिदिन 100,000 बैरल कच्चा तेल अधिक खरीद रहा है। अमेरिका जानता है कि यूरोप कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए रूस पर निर्भर है। इसके बावजूद अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। एक तरफ ब्रिटेन कहता है कि वो साल के अंत तक रूसी तेल पर अपनी निर्भरता को चरणबद्ध तरीके से खत्म कर देगा, तो अमेरिका ने भी कहा है कि 22 अप्रैल तक रूस से तेल और कोयले के आयात को समाप्त कर देगा। लेकिन इस बीच खबर आती है कि रूस के इसके बावजूद अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो ब्रिटेन ये कहता है कि साल के अंत तक रूसी तेल पर अपनी निर्भरता को चरणबद्ध तरीके से खत्म कर देगा, तो अमेरिका ने भी कहा है कि 22 अप्रैल तक रूस से तेल और कोयले के आयात को समाप्त कर देगा। उसी बीच ये खबर आई कि अमेरिका उससे तेल में 43% अधिक माल खरीद रहा है। तो क्या अमेरिका इस नीति पर काम कर रहा है कि पहले अमेरिकी हितों को आगे रखा जाए, या फिर रूस का मुकाबला करने के लिए उदारवादी नीति अपनाई जाए, या फिर रूस से कच्चा तेल खरीद कर वो महंगे दामों में यूरोप को बेचना चाहता है और अमेरिकी डॉलर को और मजबूत बनाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।